झारखंड में कोरोना वायरस से बुधवार देर रात पहली कोरोना पॉजिटिव मरीज की मौत हो गई है। 75 वर्षीय मृतक बोकारो के गोमिया विधानसभा क्षेत्र के साडम का रहने वाला है और साथ ही मृतक की कोई भी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी। निमोनिया और सांस लेने में दिक्कत की वजह से उसे बोकारो के जनरल हॉस्पिटल से आइसोलेशन में रखा गया था और जांच के लिए सैंपल रिम्स भेजा गया था। बुधवार को ही उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। झारखंड में कोरोना से हुई पहली मौत के बाद हड़कंप मच गया है। सिविल सर्जन डॉक्टर अशोक कुमार पाठक ने बताया कि 75 वर्षीय बुजुर्ग की तबीयत पहले से खराब थी और उसे इलाज के लिए 4 अप्रैल को बोकारो जनरल अस्पताल में आईसीयू में भर्ती किया गया था। रिपोर्ट आया है कोरोना टेस्ट का, जिसमें चारों जो है 3 तेलो गांव के ही हैं, जो पहले महिला भर्ती हुई थी उनके रिश्तेदार हैं, और एक चौथा मरीज जो है वो बुजुर्ग साड़म के थे। तो उनकी साड़म वाले मरीज जो बुजुर्ग थे उनकी मृत्यु हो गई रात में, और बाकी तीनों जो है उनको भर्ती करा दिया गया है, और चार मरीज अभी एक ही परिवार के वहाँ बीजीएच में इनका इलाज किया जा रहा है। तो क्या है, कितना खतरनाक दौर में बोकारो पहुंच गया है? नहीं, ये केस बढ़ने से तो स्वाभाविक है कि चिंता बढ़ गई है कि इसको प्रसार नहीं होने दे। हम लोग कम्युनिकेट जो अभी मास टू मास कंटैक्ट है उसको रोकना सबसे पहली प्राथमिकता है, इसीलिए हम लोग आज गांव में वहां सर्वे भी करेंगे और सैंपलिंग भी करेंगे। इनके परिवार के सदस्यों का सैंपलिंग किया जाएगा और सर्वे में और भी अगर कोई संभावित मरीज नजर आएंगे तो उनका जांच किया जाएगा। डॉक्टर, यह जो मामला जो संक्रमण का सामने आया है जब महिला आई बांग्लादेश से, तो उनका जमा से क्या रिश्ता रहा है? ये पहले तो नहीं बताई थी, लेकिन बाद में पता चला कि ये ढाका से कलकत्ता और कलकत्ता से दिल्ली गई, और दिल्ली में मरकज में दो दिन या 3 दिन सम्मिलित ही हुई है, और उसके बाद ये रांची लौटी। तो अब आप लोग का कदम क्या होगा? हम लोग तो वो जो भी संभावित मरकज के हैं उनका खोजबीन कर रहे हैं। सबों से अपील किया गया है कि जो भी मरकज अटेंड किए हों वो खुद आकर अपना जांच करवा ले, और सभी को सतर्क कर दिया गया है प्रशासन के द्वारा भी कि अगर कहीं भी मरकज से आए हुए व्यक्ति मिलते हैं या जानकारी मिलती है तो तुरंत प्रशासन को दे ताकि हम लोग उनको। वही कोरोना पॉजिटिव मरीज की मौत होने के बाद से मृतक के गांव साडम सहित पूरे बोकारो को छावनी में तब्दील कर दिया है। मृतक के घर समेत आसपास के इलाकों को सैनिटाइज करने का काम किया जा रहा है। आपको बता दें कि बुधवार को झारखंड में कोरोना संक्रमण के 9 नए मामले सामने आए हैं, जिनमें से 5 मरीज रांची के हैं जबकि 4 बोकारो के हैं। रांची में मिले 5 नए केस हिंदपीढ़ी क्षेत्र के हैं। ये सभी इस इलाके में मिली हुई दूसरी पॉजिटिव महिला के परिवार के हैं, जिसके बाद कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या अब 13 हो गई है। बोकारो से न्यूज के लिए नीरज कुमार की रिपोर्ट।